हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय ट्यूटोरियल। दोस्तों मैं हूं आकाश पटेल, आप देख रहे हैं यूनिक्स एंड यूनिकोड सेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग? दोस्तों आज का ये वीडियो यूनिक्स एंड यूनिकोड सबसे यूनिक वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ आपके लिए पर्सनली दिल से कुछ शेयर करने वाला हूं, अपना एक्सपीरियंस, जिसके माध्यम से आप अपने कैरियर के अंदर ग्रोथ ला सकते हो पूरी तरीके से। आप 10 से 15 पे जा सकते हो, 15 से 20 पे जा सकते हो, और जो 20 पर है वो 30 पे जा सकते हैं, जो 50 पे है वो 60 पे जा सकते हैं, जो 1 लाख पे है वो 1.5 लाख का पैकेज ले सकते हैं मंथली। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि पैकेज हमारे कंटिन्यू बढ़ते चले जाए, और क्यों नहीं होता है लोगों का? जो लोग जॉब में है उनको भी समझ आ जाएगा कि रीजन क्या है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस जो मेरे 6 साल का है इसको शेयर करूंगा, खुद ही कोरिलेट करोगे, हाँ सर मैं ऐसे ही हो गया हूं, मेरा यही काम हो चुका है अभी, अब मैं कुछ सीख नहीं रहा हूं। चलिए गाइस, आप लोगों को याद होगा कि आप क्लास 1 में थे, तो फिर आपने एग्जाम दिया था, फिर आप क्लास 2 में गए, फिर एग्जाम दिया था क्लास 3 में गए थे, फिर एग्जाम दिया था फिर क्लास 4 में गए थे, फिर एग्जाम दिया था क्लास 5 में गए थे। मतलब कंटिन्यू आप सीख रहे थे, फिर एक एग्जाम दे रहे थे, फिर आप आगे बढ़ रहे थे, कंटिन्यू सीख रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से आपने हाई स्कूल तक किया, हाई स्कूल के बाद कुछ और पढ़ा तो 11th पास किया, फिर और पढ़ा तो 12th पास किया। नकल वालों की बात नहीं कर रहा हूं यहां, बुरा मत मानना नकल वाले, ठीक है। उसके बाद इंजीनियरिंग में गए, इंजीनियरिंग में भी फर्स्ट ईयर पास किया, सेकेंड ईयर पास किया, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपका डिप्लोमा वाले थर्ड ईयर तक उन्होंने पास किया। अब क्या हो रहा था, आप हर एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे और पढ़ने के बाद एग्जाम दे रहे थे, और आपका कैरियर का ग्रोथ हो रहा था। आप 1 से स्टार्ट हुए, बीटेक तक, डिप्लोमा तक, बी तक, एमटेक तक आप लोग पहुंचे, करेक्ट। अब इसके बाद आप लोगों ने क्या किया, एक जॉब सर्च किया, ठीक है। मैं ये मान के चलता हूं कि लगभग सबको ही एक एक जॉब मिल गई है, ऐसा आप एज्यूम करो, चाहे 5,000 की चाहे 10,000 की जॉब मिल गई है, ठीक है। जनरली क्या होता है, लोगों को एक जॉब जैसे मिल जाती है तो वहां पर जाते हैं वो लोग और वहां पर देखते हैं काम क्या हो रहे हैं, ठीक है। अब 5-10 हजार 15 हजार की जॉब होती है, इसमें ज्यादा लोड नहीं होता है, कुछ फिक्स वर्क होते हैं आप सबको पता है, ठीक है, लेबर वर्क है, मतलब खड़े रहना है बहुत देर तक, ठीक है, या फिर ड्राफ्टिंग करना है सेम टू सेम, अच्छी बात है, मतलब हार्डवर्क आप कर रहे हो, बट जो दिमाग के लेवल का प्रेशर है बहुत कम ही रहता है। सबको पता है अगर मैं भी 10,000 का किसी बंदे को हायर करूंगा 10-15 हजार रुपए में, तो मैं काम तो खूब करवाऊंगा बट बहुत बड़े वाले काम नहीं दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि AI सर्च करो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है इसके बारे में रिसर्च करके लाओ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं उसको 10 से 15 हजार रुपए दे रहा हूं तो उसके हिसाब से उससे काम करवाऊंगा, लेकिन हाँ काम देर तक करवाऊंगा, क्योंकि ये मैं नहीं करवाता, लोग ऐसा करवाते हैं, प्राइवेट सेक्टर खून चूसने का काम करता है। अब कैसे हम 10 से 15 पे ही तो रह जाएंगे अगर हम सेम टू सेम काम जो हमको मिल रहा है, ठीक है। सपोज एक एग्जांपल ले लूं, एक साइट इंजीनियर है, अब वो साइट इंजीनियर ने एक साइट कंप्लीट की, साइट पर लगभग लगभग सारे काम सेम थे, ठीक है, एक साइट को बनने में 2 साल लग गए, चलिए ठीक है। फिर दूसरे साइट पर गया, फिर सेम काम वो करने लगा, चलो कोई बात नहीं। फिर तीसरे साइट पर गया, फिर वही सेम काम करने लगा। आप सेम काम कर रहे हो, ग्रोथ वाला काम कर रहे हो क्या? आप फर्स्ट ईयर पार करके सेकेंड ईयर में जा रहे हो क्या? नहीं, आप एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हो ना, कि ऐसे, ठीक है। आप कैसे जा रहे हो, आप ऐसे यहां पर थे फर्स्ट बिल्डिंग, फिर सेकेंड बिल्डिंग में आ गए, चलिए। लेकिन अगर जो आप क्लास 1 क्लास 2 जो आपका था वो था क्लास 1 वाली स्टेयर, फिर क्लास 2 क्लास 3 लेवल बढ़ रहा था, वहां पर तो लेवल आप बढ़ाते चले गए, यहां पर लेवल कैसे बढ़ेगा? एक ड्राफ्टमैन का एग्जांपल लेता हूं, मान लो एक ड्राफ्टमैन है, ठीक है, उनका काम क्या है कि डायमेंशन करना है, प्लानिंग करना है, जैसे इंजीनियर ने बोला फटाफट ड्राफ्ट करके सबमिट कर देना है, चल एक कर लिया, दो कर लिया, 100 कर लिया, 200 कर लिया, वही, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आप जस्ट एक डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हो, धीरे 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 चलते चले जा रहे हो, नो डाउट थोड़ा बहुत लर्निंग होगी बट एक कछुए से भी स्लो चाल रहेगी, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। तो अब इसको कैसे ग्रोथ में लेके आए, ठीक है, जिस भी कैरियर में है या फिर आप कैरियर स्विच करके भी कैसे ग्रोथ में लाए, उसका सिर्फ एक तरीका है, वो क्या है, वो है एग्जाम। अब बोलोगे सर क्या मैं अभी क्लास 1 का क्लास 2 एग्जाम तो नहीं, वो एग्जाम देते थे ना, एग्जाम देने के लिए क्या करते थे, वहां पर पढ़ते थे, ठीक है। ये बहुत यूनिक वीडियो हो सकता है, जो लोग समझ रहे हैं, जिनके अंदर एक आग है कि मुझे 100 से जो भी मैं कमा रहा हूं, 1,000 कमा रहा हूं तो 2,000 पे जाना है, 10,000 कमा रहा हूं तो 20,000 पे जाना है, उन लोगों के लिए समझ में आ रहा होगा कि ये चीज हो रहा है जॉब में। मैं खुद भी जब मैंने 12,000 की जॉब स्टार्ट की तो मेरे को 1 महीने तो हो गया सीखने के लिए, भाई क्या क्या काम है इनके यहाँ, सब सीख लिया। दूसरे महीने तीसरे महीने वही किए जा रहा हूँ, वही किए जा रहा हूँ। चौथे महीने हद हो गई, मैं उसको कहा मैं जाके जाऊंगा छोड़ के, उसने बोला क्यों जा रहे हो, तुम काम तो अच्छा कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं करूँ क्या, वही वही काम, वही वही काम।
अपने पास अपना दिमाग नहीं था, तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने दिमाग लगाया कि चलो तुम 12 कर ले लो, 13 ले लो, काम करो। हम साला 13 में ही खुश हो गए, 1000 की वृद्धि हो गई, हमारा ग्रोथ, कोई ग्रोथ था नहीं। तो हमने क्या किया, फिर बिजनेस स्टार्ट किया, फिर 6 महीने बाद फिर से बोर हो गया, क्योंकि काम सेम है, ठीक है, कुछ नया लर्निंग ही नहीं हो रही है। तो मेरी अर्निंग बढ़ेगी कहां पे, वही 12 से 13 पे बढ़ा दिया, तो वो भी मेरे जिद पे। उसके बाद फिर 6 महीने बाद फिर मैं पहुंच गया, उसके बाद मैं कहा अब नहीं होगा मेरे से। उसने बोला क्या हुआ, मैंने बोला मैं छोड़ के जा रहा हूं, तो उसने बोला 2 महीने रुक जाओ, तुम्हारी सैलरी 18 कर दूंगा। ऐसा बहुत कम लोगों के साथ होता है, मेरे अंदर वो आती कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, तब उसने किया कि तुम करते उड़ते नहीं है। लेकिन 18,000 में भी कौन सा ग्रोथ हो गया मेरा, ठीक है। फिर मैंने दिमाग लगाया कि यहां करता रहा तो मेरी सैलरी का ग्रोथ नहीं होगा। फिर मैंने क्या किए, नई नई चीजें सीखना स्टार्ट किया, अपग्रेड किया खुद को। पहले सिर्फ मुझे ऑटो कैड आता था सही तरीके से, और उसके बाद मैंने रैबिट सीखा, ठीक है, रैबिट सीखा। एक इंस्टीट्यूट था वही पास में, तो उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने बोला बहुत फीस थी, तो मैंने एक पर्सनल उन्हीं के यहाँ पढ़ाते थे, वो मेरे पीजी में रहते थे। मैंने उनको बोला यार मेरे को टीच कर दो, कि क्या पीसी में टीच कर दो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं वहां पे कर पाऊँ। कुल मिला के जुगाड़ किया अपना और रैबिट हमने सीख लिया, ठीक है। और फिर रैबिट सीखने के बाद मैंने बीम का वर्क के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, और साथ ही साथ मेरे को थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देने लगे स्टेट के बारे में, थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखा, फिर एक किताब मुझे मिल गई थी फोटो स्टेट, तो मैंने अपग्रेड कर लिया खुद को। मतलब मेरा क्या किया, मैंने एग्जाम दिया, मैं ऑटो कैट से गया रैबिट पे, रैबिट से गया स्टेट पे, मेरा एग्जाम होने लगा ना धीरे धीरे। जो ये एग्जाम होने लगा, जिससे फायदा क्या हुआ, बिलीव नहीं करेंगे आप, 18 के बाद मुझे डायरेक्ट 25,000 की सैलरी मिली थी। लेकिन फिर वही बेवकूफी मैं कर बैठा, 25,000 की सैलरी में काम किए पढ़ाऊ, काम किए पढ़ाऊ, काम को वही काम सेम टू सेम, ठीक है। अब क्या हुआ, मैं लोगों को बोलने लगा कि भाई अब नहीं हो रहा मेरे से, मेरी एक आदत है, मैं किसी भी एक काम को जब सीख लेता हूं पूरी तरीके से, तो मुझे लगता है कि अब ग्रोथ चाहिए। और मैं आपको भी एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस काम को कर रहे हो उसमें कॉन्स्टेंट मत हो जाओ। आप वाटर टैंक बनवा रहे हो ना यार, एक बार वाटर टैंक बनवा लिए, दो बार बनवा, तीसरी बार क्या कुछ अलग हो जाएगा क्या, छोड़ो ना, कुछ और सीखो, उसके ऊपर क्या हो सकता है। आप साइट इंजीनियर थे ना, अब आप MSP सीख लो, प्राइमेरा सीख लो, आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ जाओ ना, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने क्या ना, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आ जाओ ना। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में आप क्या करो, आप बीम के सॉफ्टवेयर सीख लो, नेविसॉर्ट सीख लो, कुछ भी ऐसा सीखो जिससे ग्रोथ हो। खलबली अपने दिमाग में मचाते रहो, बिलीव करो जैसे जैसे खलबली मचेगी ना, वैसे वैसे सैलरी बढ़ती जाएगी। एक कंपनी में 1 साल से 2 साल से 3 साल से उसे घिचे पड़े हो, ठीक, सुबह जा रहे हो भी शाम को चले आ रहे हो, फिर खाना पीना खाया, उसने क्या किया, 1 साल के बाद तुमको 2,000 रुपए का इंक्रीमेंट दे दिया, यही होता है ना। मेरी 25 के बाद जो सैलरी बढ़ी गई, 1 साल के बाद इंक्रीमेंट हुआ 2,000 का, 27,000 महंगा हद यार। फिर मेरा दिमाग सेट कहा, फिर एक कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया, मैं कहा मेरे को नहीं करना है 25 से 27, कौन सी ग्रोथ मेरी 1 साल में, 2,000 की ग्रोथ, इन्फ्लुएंस रेट अगर कैलकुलेट करोगे तो मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने सर्च किया, मैंने देखा कि 1-2 जगह पर अप्लाई किया, मेरा हो गया। फिर मैं उस कंपनी को बोला, मैं कहा मैं जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैं वहां पर धोखा खा गया, क्यों, उसने बोला क्या चाहिए तुमको, 10,000 का इंक्रीमेंट मैंने लिया था, मेरे ऑफिस का हाईएस्ट इंक्रीमेंट था वो, ठीक है। 10,000 का इंक्रीमेंट मतलब मुझे 37 पे पहुंचा दिया, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी 37, ठीक है, बस मैं बेवकूफ बन चुका था, ठीक है। तो मतलब ये मेरे करियर के जो स्टार्टिंग 1-2-3 साल चल रहे थे वो ऐसे बेवकूफियों में चल रहे थे। बट फिर मैंने साइड बाय साइड दिमाग लगाया कि कुछ ना कुछ तो अलग करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगा कि अब सैलरी से ज्यादा कुछ अलग एक्स्ट्रा भी इनकम मेरी होनी चाहिए। फिर मैंने जो मैं कॉलेज के टाइम पे करता था, प्लानिंग का 200 रुपए 500 रुपए, उसी का चार्ज बढ़ा के 2,000 कर दिया, और मॉडलिंग का जो मैं 300-500 लेता था वो मैंने 3 से 5,000 रुपए कर दिया। अब मैं क्या करने लगा, मेरी जॉब के बाद यूनिंग में प्लानिंग मॉडलिंग जहां मिल जाए करके दे दो, फ्रीलांस। इससे क्या हुआ, मेरे को नेटवर्क मिलने लगा, और धीरे धीरे क्या हुआ, मेरी रीचिंग बढ़ने लगी। तो मतलब कुल मिला के मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ कि मैं बहुत ग्रेट हो गया हूँ, कुछ नहीं, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया लाइफ में बड़ा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप कैसे ग्रोथ करोगे, आप एग्जामिनेशन दो, टारगेट बनाओ ना यार। वही सैलरी में पिछले साल भी थे, 2,000-3,000 का इंक्रीमेंट कर दिया, क्या कर दिया तुम्हारा, वो तुम्हारा यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमारी कंपनी जो हमको 35 से 40 से 50 हजार जब पे करती थी, तो 5 करोड़ को 3 करोड़ का टर्नओवर मेरे से लेती थी। 3 करोड़ का अगर टर्नओवर दे दिया, और तुमको अगर 5-6 लाख का पैकेज दे दिया, तो कौन सी बड़ी चीज कर दिया, ठीक है। तुमको तो बेवकूफी बनाया ना, यूज कर रहे, ठीक है। अब तुम क्या कर सकते हो, इस यूज के पावर को बढ़ा लो। कैसे बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ से। जैसे सीखोगे उनके यहां अगर है वो काम, जैसे तुमने मान लो टेक्ला सीख लिया, अब उनको बोलो कि टेक्ला है क्या आपके पास, उन्होंने बोला हाँ है। टेक्ला वालों को आप क्या सैलरी देते हो, तो उन्होंने बोला मैं 40,000 रुपए देता हूँ।
आप बोलो कि आप 40 नहीं मुझे 35 दो क्योंकि मेरी भी सैलरी 20 है, लेकिन 35 पे मैं टेकला का काम आपको करके दूंगा, मैं इस सैलरी पे काम नहीं करूंगा। कुल मिला के एग्जामिनेशन देना शुरू करो, जो एक अंदर एक हुआ ना सेटल टाइप का, मेरे भी साथ ऐसा हो गया था। ऑफिस जाते थे, ऑफिस से आने के बाद फिर यूट्यूब चला लेते थे, कोई साउथ इंडियन मूवी देख लेते थे या फिर कोई हॉलीवुड की मूवी देख लेते थे। बॉलीवुड में ज्यादा देखता नहीं हूँ क्योंकि वो बेवकूफी बनाते हैं, तो कुल मिला के देखता था और देख के क्या होता टाइम पास कर लेता था। फिर सुबह उठा, फिर नहाया, फिर चला गया, फिर आया, फिर वही प्रोसेस, क्या लर्न कर रहा था। कुल मिला के मेरे लाइफ को जो एक साल था मैंने उसको खराब किया, खराब ही मानूंगा क्योंकि काम में एक सीखने के लिए बहुत होता है किसी भी कंपनी में, एक महीने, दो महीने, तीन महीने, छह महीने। इसलिए बोलूंगा कंपनीज भी चेंज करते रहो, अगर कंपनी तुमको ग्रोथ दे रही है, जब तक ग्रोथ दे रही है ना केवल पैसे के टर्म में, याद रखना ग्रोथ मतलब कभी कभी कोई कंपनी 2-3 हजार ऐसे छिड़क देते हैं आपके ऊपर, तो आपकी वजह से मेरे ऊपर भी छिड़के, बुरा मत माना, तो छिड़क देते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। छिड़कना नहीं है हमको, काम में ग्रोथ मिल रहा है क्या? आज तुम ऑटोकैड पर काम करा रहे हो, कल स्टैट पर कराओगे क्या? अगर हाँ तो मैं रुक रहा हूँ, अगर नहीं तो नहीं रुक रहा मैं। तो ये पर्सनल चीजों भी अपने दिमाग पर मत लेना, सिर्फ और सिर्फ आपको बता रहा हूं क्योंकि ये गलती हमसे भी थोड़ी बहुत हुई है, ज्यादा नहीं हुई। मैं 1-1.5 साल के बाद मैं दिमाग लगा लेता था कि भाई कुछ नया चाहिए, या तुम दो या फिर मैं कहीं और देखता हूं। तो इस चीज को आप याद रखो, अगर कॉन्स्टेंट हो जाओगे एक ही कंपनी में, अगर 1 साल 2 साल 3 साल से पड़े हो, एचआर को भी पता चल गया कि तुम्हारी कुछ अलग से लेवल तुम्हारा कुछ है नहीं, ठीक है, अब तुम इसी सैलरी पर कॉन्स्टेंट रहने वाले हो, 2000 का चूना लगा दे, हेलो चलो 1 साल और तैयार हो जाओ घुटने टेकने के लिए, फिर 1 साल और तैयार हो जाओ, इसी में तुम्हारा टाइम बचा। क्यों? तुमको पता चल गया ना तुम कहीं और जाओगे नहीं, क्यों? तुम्हारी सैलरी तो तुमको लग गया ना, और पता क्या होता है स्टेबिलिटी आ जाती है, अरे ठीक है आराम से काम है, क्या करना है जाना है, जाना नहीं है भाई, तो अपने लाइफ का 1-2 साल जो स्पेंड कर रहे हो, कितने साल जॉब करोगे? 20 साल, कितना सेविंग कर लोगे? कुछ नहीं, ठीक है, कैलकुलेट करो और हम रुको मत, मूव ऑन, एग्जामिनेशन देना बंद मत करो। ये मुझे समझ में आया कि शायद आप लोगों को बताना चाहिए क्योंकि आप लोग में से ऐसे बहुत से लड़के जो इस फेस में टकरा रहे होंगे, कहीं पर 5,000-6,000-10,000-15,000-20,000 की जॉब करके उनको लग रहा होगा मैं सेटल हो गया, भाई कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, लाइफ में थोड़ा आगे बढ़ो, ठीक है, तो ये 20-25-30 हजार रुपए कुछ पता ही नहीं चलेंगे कि कोई पैसे हैं। बस ये आपको दिल से बताना था, शायद मुझे लगता है इसीलिए एक यूनिक वीडियो है, पहली बार मैंने कुछ ऐसा बताया जो कि करना चाहिए आपको तुरंत ही, ठीक है, एग्जामिनेशन देना स्टार्ट करो। एग्जामिनेशन मतलब कॉलेज नहीं जाना, एग्जामिनेशन मतलब सिर्फ और सिर्फ नई नई लर्निंग स्टार्ट करनी है दोस्त, अगर नहीं किए ना तो बाद में आप 6-5 साल बाद जब देखोगे तो तुम जब पीछे देखोगे और फिर ऊपर देखोगे तो तुम्हारा दोस्त यहां दिखेगा, ठीक है, मैं नहीं करो कंपेयर करो बट सीखो, ठीक है, उसका क्या पैकेज रहेगा, उसका पैकेज 1-1.5 लाख रुपए है, ठीक है, तुम सोचे कि मैं लर्निंग करने को टेंशन फ्री थोड़ी, अब तुम क्या देखो मेरी सैलरी तो 30,000 ही रह गई यार 5 साल बाद भी, अब तुम अप्लाई करोगे 5 साल बाद भी तभी तुमको नहीं मिलेगा, क्यों? तुमने 5 साल में सीखा क्या है? वही घिसा पीटा रोज का जो काम था, इसलिए भाई लर्निंग बढ़ा लो, अभी टाइम है, नहीं तो बाद में पछतावा होगा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मुझे समझ में आया कि आपको बताना चाहिए इसलिए शेयर किया, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर अच्छा लगा तो जो आपके दोस्त इस तरीके से निष्क्रिय हो गए हैं प्लीज उनको भेज दो, ठीक है, ऐसा नहीं कि वही बहुत लोग निष्क्रिय हो जाते हैं, एक जॉब पा गए दो एक दो महीना में सीख लिए सब कुछ, वहां जो टेंशन वाला काम था उसे लग रहा है रिलैक्स हो गया कुछ नहीं समझ आना काम करवा के चले आना है, अरे भाई काम करवा के चले आना कब तक यही करते रहोगे, आगे बढ़ो ना भाई, चले जय हिंद जय भारत।